अच्छी बनी, सब लोगों ने हमने ट्रेलर देखा, बहुत अच्छा है और नेक्स्ट मंथ रिलीज़ है और आप देखिए कि इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा है। ये नेक्स्ट मंथ होगा। इस फिल्म के माध्यम से क्या दिखाने की कोशिश की गई, क्या दिखाना चाहते हैं आप? देखिए एक मैसेज है, आप लोगों ने देखा कि इस तरीके से मतलब कोई आ रहा है, मतलब अभी जो ये थोड़ा लीक से हट के तो उस हिसाब से चाहते हैं कुछ अच्छा मैसेज है सब। नहीं, कुछ कुछ कहानी ऐसा होता है कि आपको हॉलीवुड को भी लेना पड़ता है, बॉलीवुड को कभी कभी ऐसा है कि कुछ रीजनल आर्टिस्ट भी लेके आपको हॉलीवुड बॉलीवुड बनाना पड़ता है, तो उस हिसाब से स्टोरी के हिसाब से वैसा बनाते हैं। बहुत बहुत अस्वस्थ हूँ और पिक्चर बहुत अच्छी चलेगी क्योंकि लीक से हट के है और पिक्चर अच्छी बनी है और सारे दर्शक लोगों को पसंद है। मैं एज ए ई पी वीरेंद्र कुमार लोन नाम है, मैं एज ए ई पी इसमें हूँ और फिल्म बड़ी कठिनाइयों से हम लोग ने बनाया, सतना डिस्ट्रिक्ट में जाके शूट किया और डे नाइट शूट करते थे हम लोग, उन जंगलों में शूट करते थे जहाँ पे तब डकैतों का आतंक था, दो तीन बार तो हम लोग को डकैतों ने पकड़ लिया और गिरफ्तार भी किया हमको, सारी यूनिट निकल गई थी, मैं ही था अकेले और बड़ी परेशानियों से पिक्चर बनी। मेरे बहुत पुराने मित्र हैं ये और मैं उनको तब से जानता हूँ जब ये मुझे फ़ोन किया करते थे, मेरे घर पे भी आए थे और इन्होंने मुझसे ये कहा था कि सर मैं फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, मैं तब से छोटी छोटी फिल्मों को लेकर के डिस्ट्रीब्यूट करना, छोटे छोटे गाँव में इवन टूरिंग टॉकीज जो होती है वहाँ लेके जाना फिल्मों को, और मुझसे ये बोला करते थे कि जो भी सर आपके नज़र में जो ऐसी फिल्म हो जो आपने किया हो या आपने नहीं किया हो या वो फिल्में जो रिलीज़ नहीं हो पा रही हैं या तो कुछ प्रॉब्लम है, यानी हर तरह की फिल्म को मतलब अपने छोटे बजट से छोटे बजट की फिल्म लेकर के ये निकालते थे और ऐसी जिसको आप कहते हैं डेड फिल्म्स, जो डेड फिल्म्स हो जाती है ना, बहुत सारी ऐसी फिल्में होती हैं जो कि अब इनका कोई भविष्य नहीं, कोई फ्यूचर नहीं होता, तो उन फिल्मों को ये चुनते थे और उसके इंक्वायरी करते थे, पूछते थे और उन फिल्मों को निकाल करके ये फिल्मों को रिलीज़ करते थे। तो आज ये और मैं आई एम वेरी हैप्पी कि आज ये इस मकाम पे आए हैं कि इन्होंने एक स्वीडिश फिल्म और इस तरह से जो हॉरर फिल्म और भी दूसरी फिल्मों को कुछ ट्रांसलेट भी करके और डब करके जो इन्होंने सामने लाया, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर धनंजय अगरानी, इनकी बहुत बड़ी मेहनत है और बहुत ही सॉफ्ट पर्सन है, बहुत ही मतलब आप देख रहे हैं जिस तरह से हैं, इट्स अ वेरी हम्बल पर्सन, वेरी गुड बॉय, ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग, तो आई विश ऑल द बेस्ट फॉर हिम, उसकी जो भी तरक्की करें और अच्छी तरक्की करें और बड़ी बड़ी फिल्में डिस्ट्रीब्यूट करें और आगे चल के प्रोड्यूस भी करें, ये मेरी मनोकामना है। जितनी प्रोजेक्ट्स हैं अभी जैसे लॉन्च हुआ है,
हाँ हाँ मैं अभी जो फिल्में कर रहा हूँ मैं उस तरह से जुड़ नहीं पाया, उस तरह से जुड़ नहीं पाया इनके किसी प्रोजेक्ट में, क्योंकि मैं अपना बिजी रहा अपने काम में, लेकिन डेफिनेटली फ्यूचर में मैं जुड़ना चाहूँगा। मुबारकबाद देना चाहूँगा धनंजय जी को, जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस मुकाम तक पहुँचे हैं, और जैसा कि मुश्ताक भाई ने बताया, वाकई इन्होंने बहुत ज़माने से देखता आ रहा हूँ, बहुत छोटे 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 प्रोजेक्ट से इन्होंने अपनी शुरुआत की, और आज बॉलीवुड और हॉलीवुड सबको मिला करके, और इस तरीके के जो भी हमने अभी प्रोमो देखा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और बस इनसे यही कहूँगा कि हिंदी फिल्में भी बनाएं और हम जैसे कलाकार को काम दें। वो आज ही मैंने देखा, यूट्यूब में देखा, आज मैंने पढ़ा है, पता नहीं अभी उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है कि उन्होंने रिज़ाइन क्यों किया, आई डोंट नो, उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता। आप पता नहीं, अब ये गवर्नमेंट के अपने रूल्स हैं, वो किन को अपॉइंट करते हैं, क्या करते हैं, और उसके बाद वहाँ जो स्टूडेंट, वैसे देखा जाए तो पिछले कई सालों से 1978 तक पुणे इंस्टीट्यूट एक जो था FTII, वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से चल रहा था, जब तक ये नसीर भाई थे, ओमपुरी थे, ये लोग जब तक थे, उसके बाद से कुछ गड़बड़ हो गया, चाहे आप देख लीजिए, मतलब वो बात नहीं रही। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट बॉम्बे में बन गए, जो वहाँ से प्रिंसिपल वहाँ के जो थे, जो वहाँ के एक्ट्रेस थे, जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, वो बॉम्बे में आकर के उन्होंने अपनी एकेडमी खोल ली, एक्टिंग स्कूल्स खोल लिए। तो वो करिश्मा जो पहले था, जो उन दिनों था 70s में था, 78 तक था, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया। फिर उसके बाद आपने देखा कितना कंट्रोवर्सी हुई, सारी चीज़ें हुई, तो अभी उसके बारे में मेरे को कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, बट मैं पता करूँगा। ये सडनली अभी शाम को पता चला, और जैसा कि मुश्ताक भाई ने बताया कि अभी पूरी जानकारी नहीं हम लोगों, लेकिन ये फैक्ट है कि FTII का जो माहौल पहले जैसा था 70 या 80 का, वो अब नहीं रहा, अब वो चार्म खत्म होता जा रहा धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो है इसमें इन्वॉल्व हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत उम्मीदें हैं FTII से, एक बहुत बड़ी संस्था, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट इंडिया का, यस, मतलब बड़े बड़े एक्टरों को FTII ने दिया है हमारे इंडस्ट्री को, तो वैसी उम्मीद हम आगे भी करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। या दो डायरेक्टर के साथ मैं बताऊँ, थिएटर से जुड़ा हूँ मैं, थिएटर में भी हम हैं और हमारा एक दोस्त है, हम लोग मिलकर जो है प्ले करते हैं, दो डायरेक्टर्स करते हैं, तो यहाँ पर भी जैसे हम हैं, ध्रुव हैं, ध्रुव के दिमाग ध्रुव हैं, सत्य हैं, हम लोग शुरू से इससे जुड़े हैं, तो हमने कहा ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। देखिए ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ मेकिंग हैं, ये सब होती हैं, लेकिन ये हावी नहीं होनी चाहिए। हम या तो कन्विंस बोलें या कन्विंस कर दें, यहाँ पर ये है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप हमसे बोलो कि ये चीज़ ऐसी है, हम मान लें, अगर ऐसी लग रही है, नहीं लग रही, कंपनी नहीं आ रही, जो कन्विंस कर ले, तो ये अगर बात है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। हाँ सर, कोई भी कोई एग्जाम्पल है, म्यूजिक डायरेक्टर्स हमारे, अब आप ये देखिए म्यूजिक डायरेक्टर्स जो भी जोड़ियाँ टूटी हैं, जो नहीं रहे हैं, तो अकेला जो है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन आपस में मिला तो एक और एक 11 हो जाते हैं, एक और दो नहीं होते, तो अगर आप एक और एक 11 होते तो एक और एक एक 3 बार मिलकर 111 भी हो सकते हैं। We are trying to do to the maximum level, you know, as per multiplex and singles. हाँ बोलिए, अभी तो पिक्चर के बारे में डायरेक्टर ने सब बता दिया, और उन्होंने बताया आगे का, हाँ मैं बोला पूरा पिक्चर के बारे में डायरेक्टर ने तो बता दिया,
डायरेक्टर ने बता दिया, मैं तो प्रोड्यूसर हूँ, बैनर हूँ रिलीजिंग के लिए, तो आगे अभी ये नेक्स्ट मंथ रिलीज हो रहा है, तो गिलानी रिलीज़ कर रहा हूँ, बस इतना ही। और पिक्चर तो आपने देखा, ट्रेलर देखा, किससे डर किससे रहे हो? नहीं नहीं ना, प्रोड्यूसर हो सर आप, तो चिल्ला चिल्ला। मेरा नाम शिशिर सिंह है, मैंने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी किया है और डायरेक्शन भी किया है। मेरे साथ में ध्रुवचंद और सत्य, हम तीनों लोगों ने मिलकर इसको किया है। और ये बहुत पहले है क्योंकि लखनऊ में, हम लोग लखनऊ से हैं, तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट हमारे दिमाग में ऐसा आया कि जो आजकल कंडीशंस हैं, जो चीज़ें हैं, वो अगर ऐसी ही रहीं तो आने वाला फ्यूचर क्या होगा? अगर इसको हम नहीं ठीक करते हैं तो हमारा फ्यूचर ब्लैक हो जाएगा। तो ये सोच के इसका टाइटल रखा और इस पर शुरुआत की, और धीरे धीरे चीज़ें पनपती गई, बढ़ती गई, और इस तरह हमारी फिल्म जो है तैयार हुई। प्रोमो देख के लग रहा था कि लड़की अगर ना हो, औरतें ना हो, अच्छी कहानी। वो मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन वही बात है कि प्रोमो देख के लग रहा है कि जिस तरह से आजकल लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, औरतों के साथ अत्याचार हो रहा है, भ्रूण हत्या हो रही है, कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, अगर यही कंडीशन रही तो आज से 100-200 साल के बाद आने वाले कल में लड़कियाँ नहीं बचेंगी। और ये हमारे ख्याल से एक ऐसी फिल्म है कि इसमें रिजल्ट दिखाया गया है, परिणाम दिखाया गया है, अगर लड़कियां नहीं बची तो क्या होगा। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, बहुत पहले कुदरत जो है, जो जिसमें कहा है ट्रेलर में कहा है, कुदरत के नियम, नेचर के जो नियम है, अगर उनको हम फॉलो नहीं करते, उनके खिलाफ जाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं आगे उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जैसे बहुत पहले, करोड़ों साल पहले, डायनासोर जो बना था, कुदरत ने बनाया उसे, जब उसे लगा कि वो भारी हो गया है, धरती पे भारी हो गया है, उसको हटाना ज़रूरी है, तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कुदरत को या गॉड को ये लगने लगा है कि सबसे डायनासोर से भी ज़्यादा भारी इंसान हो गया है। आदमी इतना भारी हो गया है कि जब वो खाने पीने की चीज़ों में मिलावट कर रहा है, जब वो दवाओं में मिलावट कर रहा है, जब आदमी आदमी को मार रहा है, तो हमारे ख्याल से हमारे जो फ्यूचर है वो ब्लैक ही है। और जो फिल्म का लुक है, टाइटल लगा है ब्लैक फ्यूचर का, वजह कुछ ब्लैक फ्यूचर में बता रहा हूँ ना, कि फ्यूचर जो कंडीशंस आज हैं दुनिया में, अगर यही कंडीशंस रही तो हमारा फ्यूचर ब्लैक ही, अगर हम नहीं समझे तो फ्यूचर हमारा ब्लैक ही होगा। और इंटरनेशनल और जो देखिए, स्क्रीन प्ले ऐसी चीज़ है कि हम पहले से देख लें कि हमें पर्दे पर दिखाना क्या है, तो वो सोचते हुए कि हमारा क्या, किस तरह से स्क्रीन प्ले तैयार किया जाए कि हमारा जो मैसेज है वो इंडियन रहे, लेकिन उसका ट्रीटमेंट जो है वो वेस्टर्न हो, इस तरह का हो कि वो हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फोटो हर जगह पे जो है उसको अप्रिशिएट किया जाए, ये कोशिश हम करते हैं। और एक खास बात और भी है, अगर आप ध्यान देंगे तो इस फिल्म का म्यूज़िक बहुत खूबसूरत है, इसके गाने जो है क्लिक होंगे, और एक अच्छा इंटरटेनमेंट जो है मैसेज के साथ, ये हमारी कोशिश रही। सर मेरा नाम विंसेंट लॉरेंस है, मैंने एक शराबी एकदम डेस्परेट आदमी का मैंने रोल किया है, क्योंकि ये जो स्टोरी है, गुड एंड बैड, ईविल एंड गुड, ईविल सोचता है मैं फनपूंगा, और गुड वहाँ पर प्रार्थना करके अच्छाई मांग रहा है, लड़की मांग रहा है, लड़की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गर्ल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बताया है इसमें। तो ये चीज़ पूरे दुनिया के लिए मैसेज है, तो ये आगे के लिए मेरे हिसाब से यही ब्लैक फ्यूचर को वाइट फ्यूचर लाने के लिए, वो जो महात्मा है उस फिल्म में वो प्रार्थना करता है, और परमेश्वर, आप पिक्चर देखिए तो पता चल जाएगा। ऑब्वियसली इफ द मैसेज गोज इन अ फायर वे, इट विल गेट ऑल द क्रेडिट्स। So once we are in the news, automatically we'll be approached, and we are ready for that. We are open for that. Yeah. टीम डायरेक्टर्स देखिए, होता ये है कि कभी कभी हम आपको बताएं, हम आपस के लोगों के साथ न्याय नहीं करते, हम तीनों ने साथ में मिलकर
इसको इसका बीज बोया और साथ में मिलकर इसको किया, स्क्रीन प्ले भी किया और साथ में डायरेक्शन भी हम लोग का डायरेक्शन सिर्फ वहाँ से शुरू नहीं। सर आजकल इस टाइप की फिल्में आती नहीं है, इसीलिए इस टाइप की फिल्में मुझे रिलीज करना और प्रोड्यूस करना अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी क्या आपको उम्मीद है कि दर्शक कितना ज़्यादा इस फिल्म को पसंद करेंगे और क्यों करेंगे अगर करेंगे तो? देखो मैंने इस फिल्म को वैसे भी रिलीज़ करने के लिए तो मैंने ए क्लास सेंटर के लिए सोचा ही नहीं है, बी और सी क्लास सेंटर के लिए सोचा है, तो उस हिसाब से फिल्म अच्छी जाएंगी। और काफ़ी लैंग्वेज में इसको रिलीज करने वाले हैं हिंदी के अलावा? नहीं, ब्लैक फ्यूचर तो अभी हिंदी में ही रिलीज़ करने वाले हैं। ओके, हाँ अगर हिंदी में अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो हम फिर उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में डब भी कर सकते हैं। विषय काफ़ी गंभीर है, मतलब अगर औरतें ना हो तो क्या होगा, ये विषय लिया है जी। देखो सर इसी वजह से ही ये फिल्म लेने का भी रीज़न ये है, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट होने की वजह से मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि कॉमन फिल्में तो डेली आते रहती हैं और हम लोग रिलीज़ करते रहते हैं और रिस्पांस कुछ नहीं मिलता ना, ऑडियंस देखती है, फिल्में फ्लॉप होती है और प्रोड्यूसर लॉस में जाते हैं, तो दर्शकों तक हम इस टाइप की कुछ अलग कहानियाँ हम पेश करें ताकि ऑडियंस को पसंद आए, ऑडियंस देखे फिल्में। सर वैसे तो प्लान ऑल इंडिया का है, लेकिन पहले फर्स्ट हमारा है कि मेन बॉम्बे हमको टारगेट है, बॉम्बे और प्लस हमारा दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, ईस्ट पंजाब है, हमारा सीपीसीआई राजस्थान है, ये पहले हम लोग टारगेट करेंगे सर। बाकी वेस्ट बंगाल हो गया हमारा, जैसे आसाम हो गया, उड़ीसा हो गया, इसे हम बाद में टारगेट करेंगे अभी नहीं। स्टार कास्ट की बात करें, कौन से स्टार कास्ट हैं, क्या अनुभव है उनका? देखो सर सब इसमें थिएटर आर्टिस्ट है एक्चुअल में, और मैं सोचता हूँ कि थिएटर आर्टिस्ट को भी चांस मिलना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि जब तक वो थिएटर तक होता है तो अच्छी बात है, लेकिन जब बॉलीवुड में एंट्री हो जाए तो और भी अच्छी बात हो जाती है। आपसे सर आप बताइए, परिचय दीजिए, बताइए कैसे जुड़े हैं सर? सर मैं तो बराज जी के एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है सतरंगी, उसके साथ जुड़ा हूँ, तो उन्होंने कहा कि एक मेरी मूवी आ रही है ब्लैक फ्यूचर, तो मैं इनकी शुभकामनाएँ देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं बता दूँ प्रॉमिसिंग लग रहा है ट्रेलर से, और हमारे टीम के मेंबर ही है, क्योंकि मैं सतरंगी में मैं को प्रोड्यूसर हूं उसमें, तो हमारी एक ही टीम में ये विकास जी हैं, रोडीज विनर हैं, अभी बिग बॉस में भी जा रहे हैं, और हमारे पिक्चर के प्रमोशन के लिए और हम ये जो सतरंगी फिल्म बना रहे हैं उसके मेन लीड हीरो हैं। तो बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए, क्योंकि आजकल फिल्में बनाना आसान हो गया है लेकिन रिलीज करना बहुत मुश्किल है। काफ़ी फिल्में आज देखोगे तो आप बहुत फिल्में डब्बे में पड़ी हुई हैं जो रिलीज़ नहीं हो पाती है, क्योंकि फिल्में रिलीज़ करना बहुत बड़ी बात है और ये मेरे लिए बहुत चुनौती का काम होता है, क्योंकि आजकल आपको पता होगा जब से GST लागू हुआ है, टैक्सेस जो भी इशू हो रहे हैं, काफ़ी सिंगल स्क्रीन बंद हो चुके हैं और सिर्फ मल्टीप्लेक्स ही काम कर रहा है, और मल्टीप्लेक्स भी सब कॉरपोरेट लेवल पे, तो जो बड़ी फिल्में उन्हीं को चांस मिलता है, छोटी फिल्मों को तो चांस मिलता ही नहीं रिलीज़ होने के लिए, तो हम कोशिश करते हैं कि छोटे प्रोड्यूसर्स को वो फिल्में वहाँ तक थिएटर्स तक जाएँ, एटलीस्ट वो कुछ अर्न करेंगे तो ही तो आगे उनको बेनिफिट्स होंगे। इसको को प्रोड्यूस करने का मेरा इरादा ये है, क्योंकि जिसने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है तीन लोग हैं, तीन पार्टनर्स हैं, ताकि उनको इस फिल्म में लॉस ना हो, ताकि वो आगे भी फिल्में बनाएं। नहीं तो क्या होता है कि आजकल फिल्में लोग बनाते हैं वन टाइम, एक बार फिल्में बन जाती है उसके बाद में फिर इंडस्ट्री से आउट हो जाते हैं, क्योंकि फिल्में सक्सेस नहीं हो पाती, या तो फिर प्रॉपर रिलीज नहीं होती है, या तो फिर रिलीज़ होने के बाद में ऑडियंस को पसंद नहीं आती, कि या तो कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होता है। एक दो तो दिस इज़ द फर्स्ट VFX मूवी विच इज़ बीन क्रिएटेड बाय माई सेल्फ, एवरी थिंग इज़ बीन डन बाय मी इन दिस, फ्रॉम स्क्रिप्ट टू स्टोरी बोर्ड टू VFX टू कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग, सेट डिज़ाइनिंग, मिनीचर सेट डिज़ाइनिंग दैट आर नॉट यूज बट आई मेड इन दैट फिल्म। तो इसमें सारा काम मैंने अकेले किया है, यहाँ तक कि वॉइस ओवर सब कुछ मैंने अकेले किया है, तो ये दुनिया की पहली VFX फिल्म है जो अकेले एक इंसान ने बनाई है, और इसमें मुझे जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, मैंने जो कैरेक्टर में जा रहे थे मैंने पहले उनको स्केच किया, स्केच करने के बाद मैंने उनको कास्ट किया, उनके लुक, उनके जो कैरेक्टर स्केच था उसके अकॉर्डिंग मैंने वैसे ढंग के कैरेक्टर्स को ढूंढा और मैंने उनको कास्ट किया। तो इसको बनाने में मुझे 2 साल लगे, 2 साल पहले मैंने इस फिल्म का काम शुरू किया था, स्क्रिप्ट लिखना, स्टोरी बोर्ड करना, फिर मैंने इसको शूट करना शुरू किया, और मैं इसके साथ मूवी के साथ साथ अपनी जॉब का भी काम करता रहता था, कि जॉब से जो भी पैसा आता था मैंने फिल्म पे लगाया। अब आगे मुझे मिस्टर धनंजय गलानी जी सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने मुझको मेरी फिल्म पे सपोर्ट करने के लिए बोला है, और इसी वजह से उनकी वजह से ये प्रमोशन हो रहा है मेरी फिल्म का, तो वही मुझे प्रमोट कर रहे हैं, और इसमें मेरे कास्टिंग में हरिया का एक कैरेक्टर प्ले किया मेरे फ्रेंड जीत ने, और गोपू एक कैरेक्टर है जो लोकी भाई ने किया है।
तो प्लीज अगर आप कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं। एक्चुअली मेरा नाम जीत सिंह है और इस कैरेक्टर में मेरा नाम हरी है। ये मेरा फ्लैटमेट है, रूममेट था। इस मूवी में मेरा कोई कैरेक्टर था नहीं मेरा, बट इसकी एक मैंने मूवी की स्क्रिप्ट सुनी मैंने, तो उसको बोला कि अगर मेरे लायक कुछ है तो प्लीज़ मुझे बताना। तो इसने बोला कि जीत हाँ एक कैरेक्टर डाल सकता हूँ तुझे मैं। तो उसने ऑडिशन लिया, उसका जो ऑडिशन पसंद आया तो उसने बोला कि हाँ जीत तू ये मूवी कर रहा है, तो जैसे मैं इसके साथ जुड़ा हूँ। तो ये एक्चुअली क्या है, मैंने देहरादून से एनिमेशन कोर्स किया था, बट मैंने वैसे मोस्टली जॉब में, फ्रीलांस जॉब में मैंने VFX सीखा है, खुद से सेल्फ लर्न किया है मैंने। तो मुझे जब फिल्म बना रहा था धीरे धीरे मैं बहुत सारी चीज़ें करते करते सीख रहा था। जब मैं फिल्म बना रहा था तो मुझे पता चला अच्छा ये ऐसे होता है, तो मैं करते करते बहुत सारी चीज़ें सीखा। तो मुझे पता चला कि क्रोमा शूट जो मैंने किया, एक रूम के अंदर पूरी फिल्म का शूट किया है, कुछ शॉट्स हैं जो बाहर के हैं, बाकी 95% एक रूम के अंदर पूरी फिल्म का शूट किया गया है। और इसमें वॉइस ओवर जो हो गया वो सब कुछ मैंने खुद दिया है। जब एक्टर्स अवेलेबल नहीं थे डबिंग के लिए तो फिर मैंने उनकी कैरेक्टर्स की वॉइस निकाली और उसके हिसाब से मैंने उनको डब किया। और ये दुनिया की पहली VFX फिल्म है जो अकेले इंसान ने बनाई है। तो इसमें कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग तक मैं मैंने खुद की है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, लाइक VFX में रिगिंग होती है, टेक्सचरिंग होती है, लाइटिंग डिपार्टमेंट होता है, वो सारी चीज़ें मैंने खुद की है। मेरा कैरेक्टर गोपू का है, जो बहुत ही भोला वाला, डरा हुआ, अपने दोस्तों का पे बहुत यकीन करता है, वो कैरेक्टर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, जहाँ पर आपको एक एज अ कॉमिक आर्टिस्ट आपको बहुत खेलने को मिलता है। जब मैं अभिषेक को मिला उससे पहले ही उसने वो स्केच बना के रेडी रखा था कि भाई मुझे ऐसा ही एक बंदा चाहिए जो एक कैरेक्टर करेगा। तो जब वो मेरे पास आया उसने स्क्रिप्ट सुनाई कि वह कि इस तरह से हम फिल्म करेंगे, इस तरह से हम उसको प्रेजेंट करेंगे, तो मुझे वो बहुत फैसिनेटिंग लगी। क्योंकि हालांकि कोई भी आज तक किसी ने भी सिंगल हैंडेडली कोई पिक्चर ऐसे नहीं बनाई है जहां पर VFX का भी इस्तेमाल किया गया है, आपके आर्टिस्ट जो है वो आपको इस हद तक सपोर्ट कर रहे हैं कि आपके जो लेवल ऑफ पिक्चर आप बना रहे हो वो आप देखा जाए कहीं ना कहीं हॉलीवुड से आप इंस्पायर्ड बहुत तरीके से, और वो कहीं ना कहीं आपको दिखाई भी देगी ट्रेलर में भी। अब जब अभिषेक ने ये पूरा एक कमरे के अंदर शूट किया तो उस वक्त तो थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट लगा, क्योंकि कैमरा भी यही पकड़ रहा है, मेकअप भी यही कर रहा है, हम भाई कॉस्ट्यूम अगर यहाँ से कुछ फट गया तो वही सिलार, तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत गया। बट जो मज़ा आया वो आप कोई भी कमर्शियल फिल्म में आप अगर आप उस लेवल का मज़ा नहीं आएगा। उन्होंने एक्चुअली 2 साल पहले मैंने उनसे कॉन्टेक्ट हुआ था मेरा, बट नटालिया जो है मैं उनसे कॉन्टेक्ट हुआ तो उन्होंने मुझे धनंजय गलानी जी का नंबर दिया था, बट मैंने उस वक्त फिल्म शुरू नहीं की थी तो मैंने सिर्फ बात की थी। तो फिर 2 साल बाद जब मेरी फिल्म कंप्लीट हुई तो मैंने सोचा कि अब फिल्म कंप्लीट हो चुकी है तो मैं इसको मुझे शो करना चाहिए, बाहर जाना चाहिए प्रोडक्शन हाउस में। तो मैं धनंजय गलानी जी से टकराया और उनको मैंने अपना ट्रेलर सेंड किया, तो उनको मेरा ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि अभिषेक मैं तुझे सपोर्ट करना चाहता हूँ इस चीज़ में, तो उन्होंने बोला कि अब मुझे वो सपोर्ट करेंगे इसमें टोटली, और उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। क्योंकि मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतनी जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि मैं सोच रहा था ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन जैसे ही फिल्म कंप्लीट हुई तो मुझे डायरेक्टली मिस्टर धनंजय गलानी जी मिल गए। तो मैंने बोला कि ये मिले तो बस इनको मैं जानता भी हूँ, तो मैंने इनके लिए हाँ बोल दिया। मैं एक्चुअली क्या है, मैं इसको ये 22 मिनट्स की VFX में एक्चुअली 22 मिनट्स की फिल्म है। अभी हमारे कुछ प्लान्स हैं आगे, तो हमने बात की है तो उसमें हम शायद इसको एक्सटेंड करेंगे या फिर कुछ सोच समझ के कुछ आगे का स्टेप लेंगे। तो अभी आज ये प्रोमोट है, ट्रेलर लॉन्च है और मूवी के पोस्टर लॉन्च है। तो इसमें ये है कि एक ऐसी दुनिया है जो कि टोटल डिफरेंट है। मैंने स्टोरी लिखी थी वहाँ से, मैंने कॉन्सेप्ट सोचा था, मैंने टाइटल जो द लैंड ऑफ द अनटच्ड डोर्स, हिंदी में रहस्यमय दरवाजे, ये नाम जो है आज से मैंने 4-5 साल पहले सोचा था जब मैं देहरादून में था। तो उस वक्त मैंने टाइटल सोचा, मैंने सोचा कि ये टाइटल मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा, मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इस टाइटल पर फिल्म बनाऊँ या फिर स्टोरी लिखूँ। मुंबई आके मैंने स्टोरी लिखना शुरू किया, इस पर स्टोरी बोर्ड किया, कैरेक्टर डिज़ाइनिंग की, सब कैरेक्टर्स को स्केच किया मैंने, VFX का काम किया, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग की, सेट डिज़ाइनिंग की, मिनिएचर सेट्स डिज़ाइन किए थे मैंने, लेकिन मैंने फिल्म में यूज़ नहीं किए क्योंकि मुझे वो स्पेस नहीं मिल पा रहा था, वो कंफर्ट जोन नहीं मिल पा रहा था। ये कहीं ना कहीं मैंने फिल्म थोड़ी अनकंफर्टेबल वे में बनाई है, मुझे किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं था। सॉरी फ़ोन आ गया।
तो किसी चीज़ का मुझे सपोर्ट नहीं था। तो जब ये फिल्म कंप्लीट हो गई, बीच में काफ़ी मुझे प्रॉब्लम्स भी आती थी, जब मैं फिल्म बनाता था सिस्टम हैंग हो जा रहा है, सिस्टम उतने हाई लेवल का नहीं था मेरे पास, तो मैं जो कुछ भी पैसा कमा रहा था मैं अपनी फिल्म पर डालता था। फिर अभी जब फिल्म कंप्लीट हुई है तो इसके बाद मिस्टर धनंजय गलानी जी ने बोला है मुझे कि मैं वो मुझे सपोर्ट करेंगे और प्रमोट करेंगे, तो वो अभी मुझे प्रमोट कर रहे हैं, वो ही रहे हैं। और उम्मीद है कि और इससे तो उम्मीद अच्छा ही होगा, इससे उम्मीद करता हूँ कि, और मैं उसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो कुछ भी चीज़ें सही लोग मिल रहे हैं मुझको, मैं उसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, सही माहौल मिल रहा है। तो जिस तरह का हमें जो रिस्पॉन्स मिला है ट्रेलर से, डेफिनेटली आगे तो इससे बढ़िया काम होगा, क्योंकि VFX ऐसे एक चीज़ है जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाती है। अगर आपने जैसे बाहुबली भी देखा होगा, जिस हिसाब से उस जिस लेवल की वो पिक्चर है, जिस लेवल वो शूट किया गया है, आप कहीं ना कहीं देखोगे कि ये पिक्चर भी उस लेवल पर शूट की, क्योंकि अभिषेक ने खुद उस पर 2-2.5 साल काम करके हर एक चीज़ को ध्यान में रख के तब उसने पिक्चराइज की हुई है, तो वो लेवल का काम उसने किया है, और अकेले होके, जो उसकी USP है ऑब्वियसली। तो ऑब्वियसली मैं तो यही बोलूँगा अभिषेक को कि ऑल द बेस्ट है इस मूवी के लिए, हमने काफ़ी मेहनत की है और इस मेहनत का रंग लाएगी। और 2-2.5 साल इसलिए लगे क्योंकि टीम ही नहीं हमारे पास, हाँ कुछ है ही नहीं, कोई सपोर्ट ही नहीं है, इसने खुद ही अपने आप से जॉब करता था, जो पैसे मिलते मैं एक्चुअली 6 मंथ्स तक, जब मैंने फिल्म का काम शुरू नहीं किया था, तो मैं 6 मंथ्स तक मैं प्रोडक्शन हाउसेज में भाग रहा था, मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, मैं बता रहा था कि मुझे प्लीज़ मेरे को अपनी फिल्म को बनाना है, तो मुझे कोई एंटरटेन नहीं कर रहा था उस वक्त, क्योंकि पता नहीं क्या रीज़न था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा अपना, और मैं खुद से स्टार्ट कर दूँगा फिल्म का काम। तो मैंने फिर खुद से स्टार्ट करना शुरू कर दिया, अगर वेट करूँगा तो ऐसे ही टाइम निकल जाएगा, और स्टार्ट किया तो एंड भी होगी फिल्म। तो ये चीज़ है कि अगर तुम किसी चीज़ के बारे में सोचते हो तो उसको करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो करोगे नहीं तो होती नहीं। मैंने कर लिया तो अब कम्प्लीट हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियनाइज़ 24 न्यूज़। Please do subscribe our channel. Press the bell icon for future notifications. Click on the like button. Must do share the link. Thank you.